जब तुझे लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट, एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा पंचांग में कैलेंडर में उसका वर्णन आता है, खड़ी है देव दीपावली, अरे बोलो तो जम के खड़ी है, एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली एक देव दीपावली, इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु कार्तिक की पुण्य देव दीपावली। क्यों कहते हैं देव दीपावली, उसका भी व्याख्यान वर्णन हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान तीन पग भिक्षा का दान मांग रहे, तीन पग भूमि को मांग रहे, तीन पग भूमि दे दी, सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गए। भगवान विष्णु ने कहा राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए, राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहते हैं हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे, हाँ हाँ तू मांग तुझे चाहिए बोल दे तुझे दे दिया। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर इतना दे दीजिए, धनतेरस रूप चौदस और दीपावली, जमकर बोलो तीन चीजें, धनतेरस रूप चौदस और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि महाराज तीन पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे तीन पग भूमि, मैं चाहता हूं आप ये तीन दिन का दान धनतेरस रूप चौदस और अमावस्या दीपावली, ये तीन दिन जितने भी लोग दीप दान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें, वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस रूप चौदस और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीप दान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर तीन दिन की पूजन का पुण्य, राजा बलि बोलता मेरे खाते में आप भर दी। भगवान विष्णु ने कहा तथा सर मैं तुझे भर देता हूं, और राजा बलि गए तो भगवान विष्णु को द्वारपाल बनाकर दे, लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु को छुड़ाने के, तब हाथ में जब राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ, अपने पति को छुड़ाते समय लक्ष्मी जी ने वर मांगा, भैया मैंने तेरे हाथ में राखी बांधी, हाँ अच्छा सूत्र बांधा है तेरे को, हाँ
क्या चाहिए बोल। राजा बलि कहता है मांग ले। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरा पति कहीं खो गया, मिल नहीं रहा, तू कर दे। राजा बलि कहता इतनी सी बात, मैं ढूंढ के ला दूंगा। लक्ष्मी जी बोली कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तेरे दरवाजे पर द्वारपाल बन के बैठे, छोड़ो। और लक्ष्मी जी ने अपने पति को छुड़ा लिया, आ गई वापिस। अमावस्या की, दीपावली की अमावस्या के दो दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास पहुंच, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन तुझे क्या चाहिए। इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले मांग ले बहन, क्या चाहिए। बहन कहती है भैया जो तीन दिन का तूने पुण्य 13-14 दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापिस चाहिए, दे दे। राजा बलि कहता है बहन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी तालाब बावड़ी कुआं जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा, तो उसने जो तीन दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी, और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप चौदह सौ, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, और उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी तालाब बावड़ी कुआ तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। बहन भक्तों, उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी द्वारा बताए गए कार्तिक पूर्णिमा के उपाय आप सभी को समझ में आ गए होंगे, और ये उपाय निश्चित रूप से आप करेंगे। जैसे कि गुरु जी ने जो शहद की बिंदी वाला उपाय बताया वो, और जलाशय पर दीपक लगाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, तो आप लोग जरूर करिएगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।